की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर PFI से जुड़ी हुई आ रही है। NIA ने कोर्ट में बताया कि केरल PFI के नेताओं के संबंध बड़े आतंकी संगठन ISIS और अलकायदा से हैं। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि PFI दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों की हिटलिस्ट बना रहा है जिन पर हमले की आशंका है। तो PFI के आतंकी कनेक्शन पर NIA का यह बड़ा खुलासा सामने आया है जिसके मुताबिक PFI हमले के लिए लिस्ट बना रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आई हैं? बिल्कुल अर्पिता, NIA ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट केरला के जो NIA कोर्ट है उसमें दिया है और उसमें चौंकाने वाली जानकारी NIA की तरफ से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये कई ऐसे जो नेता हैं उनकी लिस्ट बना रहा था। NIA ने जब छापेमारी की थी तो उस दौरान भी NIA को ऐसे कई सबूत और डिजिटल डिवाइस मिले थे। इसके अलावा जानकारी यह है कि NIA ने जो कोर्ट में जानकारी दी है उसमें ये बताया है कि PFI के कनेक्शन जो है वो ISIS संगठन, इसके साथ ही अलकायदा और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इन तमाम संगठनों से हैं जो कि खतरनाक संगठन है और देश विदेश में अलग अलग जगहों पर कई आतंकी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है, NIA अब ये चाहती है कि इस पर का समय उसको चाहिए और यही वजह है कि NIA ने केरल के NIA कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दिया है जिसमें कहा है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद हैं उनकी वो फॉरेंसिक जांच कर रहा है। साथ ही विदेशों से जो फंडिंग हुई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, उससे जुड़ी हुई जानकारियां उसको हासिल करना है, इसलिए उसको जांच में और वक्त चाहिए। और इस बात को लेकर के उसने ये बताया कि जिस ISIS जैसा जो संगठन जो कि अफगानिस्तान के इलाकों में जहां पर नंगरहार का एरिया है वहां केरल से ISIS से जुड़े हुए लोग गए थे, उन लोगों के संपर्क में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए कई लोग थे, जिस बात की जानकारी कोर्ट में NIA की तरफ से दिया गया है। अर्पिता, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष दल के विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों से इस प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। ये खबर विस्तार से आगे होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जहां चीन में लगातार आंकड़े कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, वहां अब इस स्थिति को देखते हुए भारत में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। चीन को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, चीन में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी आबादी है जिसकी चपेट में आ चुकी है, सरकार को जो एहतियाती कदम उठाने थे वैसा हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद 12 दलों का गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन होना है। चीन को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, तो आपको बता दें तवांग के मुद्दे पर थोड़ी देर बाद 12 दलों का प्रदर्शन होना है चीन पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर। जहां एक तरफ चीन में कोरोना की स्थिति है उस पर हालांकि वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, वो तस्वीर भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तवांग मुद्दे में आज विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी में है। मनीष तिवारी ने लोकसभा में चर्चा का नोटिस दिया है, चीन को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का आज प्रदर्शन होना है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में, जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था
आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है। एक तो मैं जो राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है, जो अब मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस नॉट इन द हाउस, यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। और इस बीच बड़ी खबर, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी आई है, अशोक गहलोत को भी चिट्ठी आई है, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा है उसमें कोरोना का ख्याल रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया को कि राहुल को नसीहत सामने आई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को बकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है कि जो मास्क लगाने का नियम है और जो दूरी बनाकर रखने का है उसमें नियमों का पालन हो, भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करें। तो स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की राहुल गांधी को नसीहत दी गई है। मिलन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, इस चिट्ठी में और क्या क्या बातें कही गई हैं? क्या कोई जवाब भी इसका आना है? जी देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी गई है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कोविड के प्रोटोकॉल्स जो भारत जोड़ो यात्रा में फॉलो होने चाहिए, फिलहाल जो यात्रा राजस्थान की तरफ से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर मास्क का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन जैसी चीजें भी करनी चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ केंद्र स्वास्थ्य मंत्री आज एक बैठक भी करने वाले हैं कोविड को लेकर, और चाइना में जिस तरीके से जो कोविड के संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति हो रही है, इसी के चलते ये लेटर जो लिखा है वो स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत दोनों को लिखकर कहा है, नसीहत दी है कि आप भी दोबारा से मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस फॉलो करके पूरी यात्रा का जो पूरा अपना प्रोग्राम है वो करें, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए, यही बात की आग्रह स्वास्थ्य मंत्री ने की है। तो मिलन, जो ये आग्रह हुआ उसमें क्या वैक्सीनेट लोग ही यात्रा में शामिल हों, इस तरीके की बातें भी कही गई हैं, और इसको किस तरीके से रखा जाएगा वहां पर, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़ते चले जाते हैं, तो उनको कैसे चेक किया जाए कि वो वैक्सीनेट है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल, देखिए कोविड को अभी भी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना जा रहा है और भारत में इसको लेकर कई कड़ी जो चीजें हैं वो सामने रखी गई हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि केसेस का खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो फिर आगे जाके सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाते हैं। फिलहाल इस चिट्ठी पर राहुल गांधी या अशोक गहलोत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिख रहा है आता हुआ, लेकिन केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी तरफ से जो अपील की है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं वैक्सीनेटेड हैं वो तो प्रोग्राम जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की नसीहत इस वक्त मनसुख मांडविया, राहुल गांधी और अशोक गहलोत को इस चिट्ठी में देते हुए दिख रहे हैं। तो यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, लेकिन मिलन जो बातें हैं कि दो गज की दूरी, ये भी कोरोना का नियम होता है, लेकिन इतनी तादाद में जब लोग होंगे तो वो बहुत मुश्किल है कि आप दो गज की दूरी बना पाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यात्रा में कई लोग जुड़े हैं, क्या वो वैक्सीनेटेड है या नहीं इस पर भी सवाल उठते हैं, दो गज की दूरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यात्रा में जिस तरीके का रूट बनाया गया है उसमें कई लोग एक साथ चलते हैं, दो गज की दूरी तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या ये सारे प्रोटोकॉल्स अब फॉलो किए जाने चाहिए, क्योंकि अब स्थिति बाहर देशों में खराब होती हुई दिखाई दे रही है, एक बैठक भी होनी है स्वास्थ्य मंत्री की डीजीआईसीएमआर और तमाम
लोगों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर, तो इस बीच ये पत्र जो है बहुत ही अहम, और क्या राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम और अशोक गहलोत साथ ही साथ काफी जो मंत्रीगण हैं और लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते हैं, वो इन सब नियमों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में यात्रा दिल्ली में भी आनी है, गुड़गांव से भी निकलनी है, तो पूरी तरीके से ये जो एक रूट बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोरोना के स्प्रेड करने का खतरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये चिट्ठी इस वक्त लिखी गई। तो स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की ये चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बकायदा इस चिट्ठी में जिक्र किया कि जो भी नियम है कोरोना के, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर, इन सब का इस्तेमाल इस यात्रा में करें, इसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। मिलन, क्या अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई जवाब या कोई प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए, चिट्ठी पर अभी तो कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जरूर इस पर कोई ना कोई जवाब आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है, और आपको बता दें इसमें तमाम जो गाइडलाइंस फॉलो करने की बात की गई है, वो कह रहे हैं कि देश को टीकाकरण लगाकर सुरक्षित रखना जरूरी है। क्या वहां पर लोग टीकाकरण करके ही आ रहे हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं? बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं, क्या उन्होंने अपनी थर्ड प्रिकॉशन डोज लगाई है या नहीं लगाई है? पवन खेड़ा इस वक्त कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। पवन खेड़ा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये चिट्ठी राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नियमों का ख्याल रखिए। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचने की जगह सीधा सीधा एडवाइजरी घोषित कर दे देश में सबके लिए। हमारे भारत यात्री सबका टीकाकरण हो चुका है, सबको बूस्टर शॉट मिल चुके हैं। अगर इन्हें षड्यंत्र करने हैं तो अलग बात है, और अगर नियत इनकी साफ है तो इनको कहिए कि एडवाइजरी घोषित करें और पूरे देश के लिए एडवाइजरी घोषित करें। ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? तो अब इस चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या उन नियमों को और पालन वहां पर कराया जाएगा या कोई जवाब आप देंगे? हमारे यहाँ नियमों का पालन हो रहा है। सरकार को कहिए कि नियम घोषित करें, सरकार को कहिए प्रोटोकॉल घोषित करें, और फिर प्रोटोकॉल का अगर पालन कोई न करे तो फिर बात करें। लेकिन सर, ये तो है कि भीड़ तो बहुत है, 2 गज की दूरी नहीं हो पा रही है, मास्क भी किसी के चेहरे पर नहीं है। भीड़ तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लोगों का उत्साह भी है, लोगों की भीड़ भी है। जब प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों में भीड़ नहीं आती तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप कहेंगे तो हम वहां भी भीड़ भेज देंगे, अब क्या करें, हमारे पास तो भीड़ आ रही है। सर, यहाँ भीड़ भेजने की बात नहीं है ना, मास्क लगाने की बात है। नहीं तो आप सरकार को कहिए ना, आज मैं अभी 10 दिन पहले हवाई जहाज की यात्रा की, अब तो हवाई जहाज में मास्क के लिए बोलना तक बंद कर दिया। सरकार को कहिए एडवाइजरी घोषित करें, सरकार को कहिए प्रोटोकॉल लागू करें। मतलब जब तक एडवाइजरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी। अरे तो हम तो 2020 में भी राहुल गांधी ने आग्रह किया था सरकार से कि साहब कोविड आ रहा है, कुछ करिए, तब तो ये ट्रंप को घुमा रहे थे। तो खेड़ा साहब, जब राहुल गांधी हर मौके पर इतने सजग और जागरूक रहते हैं, तो आज चीन की स्थिति को देखकर भी उन्होंने क्यों नहीं ऐसी जानकारी दी, और इस यात्रा में क्यों नहीं कहा कि मास्क लगा लेना चाहिए या हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए? हम अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। सरकार को कहिए कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि को दुरुस्त करें, अपने ज्ञान को दुरुस्त करें, और जो भी लागू करना है वो बोलें, पूरे देश को बोलें। तो कुल मिलाकर अभी जब तक एडवाइजरी नहीं आएगी तो कांग्रेस पार्टी ऐसे ही यात्रा को चलाती है, हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस चिट्ठी का कोई जवाब देगी कांग्रेस पार्टी? वो देखेंगे, अभी चिट्ठी पढ़े तो सही, पहले हमने अभी तो आपके माध्यम से जानकारी मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर देती है? अगर एडवाइजरी जारी होगी तो वो भी नियमों का पालन करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ षड्यंत्र रचने की कोशिश हो रही है, कोई दिक्कत है तो उसको अलग तरीके से बताएं, लेकिन इसको कोरोना के माध्यम से जाहिर ना करें। तो चिट्ठी आपको बता दें राहुल गांधी को लिखी गई है, अशोक गहलोत को लिखी गई है, जिसमें कोरोना के नियमों के पालन की बात कही गई है, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस यात्रा में, मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है, 2 गज की दूरी भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस अब क्या जवाब देती है, क्या चिट्ठी का कोई जवाब, या फिर यात्रा के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है, ये कहना है कांग्रेस का। सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार तो कांग्रेस भी उन नियमों का पालन करेगी, सिर्फ और सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही क्यों बात कही गई? हम कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कि जितने लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन इसमें कई बार आम लोग भी जुड़ जाते हैं, तो क्या वो उनकी गारंटी लेते हैं कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है?
तो ये कई सवाल हैं, लेकिन अब फिलहाल ये राजनीति का रूप लेते हुए नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ आती नहीं है, अगर वो कहेंगे तो हम अपनी तरफ से भीड़ भेज देंगे, लेकिन फिलहाल एडवाइजरी जारी करे सरकार, चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं चलेगा। अभी चिट्ठी क्यों लिखी गई है, किन हालातों को देखकर लिखी गई है, जरा आपको वो बताते हैं, क्योंकि लगातार चीन में देखिए कोरोना डेंजर स्थिति में है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में लाशें दिख रही हैं, अस्पतालों में बेड की कमी है, डॉक्टर स्टाफ की कमी है, तो चीन के हालात को देखते हुए अब भारत सरकार भी जागरूक हो रही है और इसलिए एहतियाती कदम के तौर पर कई चीजें की जा रही हैं, उनमें से भारत जोड़ो यात्रा को भी चिट्ठी लिखी गई है जिसमें राहुल गांधी शामिल है, अशोक गहलोत, उन दोनों को चिट्ठी लिखकर यह कहा गया है कि जो यात्रा कर रहे हैं आप उनमें नियमों का पालन हो। अब देखिए फिर होगी कोरोना की क्या वापसी, इसलिए बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 नवंबर को करीब 3 लाख कोरोना केस सामने आए थे और 18 दिसंबर को करीब 5 लाख 55% केस की उछाल देखी गई है, इसलिए सरकार अब एक एक करके कदम उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप एडवाइजरी पूरे देश के लिए लागू क्यों नहीं करते, हम भी इसको पालन कर लेंगे। अब आप देश के हिसाब से आपको दिखाते हैं, जापान में 10 लाख केसेस हैं, दक्षिण कोरिया में करीब 4.5 लाख केसेस हैं, पिछले हफ्ते भर में ये केसेस बढ़े हैं, और जो चिंता भारत के लिए भी है कि क्या भारत में सब चीजें हम उस नियम के तहत कर रहे हैं कि यहां पर भयावह स्थिति दूसरे देशों जैसी ना हो, और इसीलिए सरकार की तरफ से ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही सरकार बड़े लेवल पे एक एडवाइजरी भी जारी करते और ये कह दे कि अब सबको मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी होना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पहले आप एडवाइजरी जारी कीजिए। अब चीन में कोरोना की तीन सुनामी, पहली लहर 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रही, अब दूसरी लहर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक रही है, तो किस तरीके से तीन सुनामी रही है कोरोना की चीन में, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली और दूसरी लहर के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, अब बात तीसरी लहर की भी हम करेंगे, क्योंकि चीन में जो हालात है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, नाराजगी लोगों की खुद बुखलाए हुए हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा के आसार खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्ता नाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी, तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार, इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राहुल गांधी और अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें जिक्र किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नियमों का पालन किया जाए, जिसके बाद कांग्रेस का जवाब आया, बीजेपी लोगों को भरवाने की कोशिश में है। अधीर रंजन चौधरी ये बात कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है सरकार और इसीलिए इस तरीके के आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, आम लोगों को भटकाने की भी कोशिश है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील पर कांग्रेस का वार नजर आता दिख रहा है, सीधे तौर पर यह कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एडवाइजरी पूरे देश के लिए लागू करे तो भारत जोड़ो यात्रा में भी उसका पालन होगा। स्वास्थ्य मंत्री के चिट्ठी के जवाब में अब कांग्रेस के नेता सामने आए और कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को भरवाने की कोशिश कर रही है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक एडवाइजरी नहीं तब तक ऐसे ही यात्रा चलेगी और हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। संसद भवन में विपक्षी दलों का विरोध शुरू हो चुका है और इसमें कांग्रेस समेत 12 दल शामिल है, तो ये तस्वीरें भी आ रही है, गांधी प्रतिमा के पास संसद भवन परिसर में विपक्षी पहुंचे हैं, वहां पर चीन को लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं।
चर्चा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, सदन में चर्चा करो, सदन में चर्चा करो, प्रधानमंत्री जनाब। तवांग के मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन सरकार का सीधे तौर पर कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर राजनाथ सिंह जवाब दे चुके हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जब 9 तारीख की घटना थी तो जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई और उस पर चर्चा से क्यों बच रही है सरकार। इन सवालों को लेकर आज एक बार फिर से संसद भवन परिसर में, संसद के अंदर भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी, वहां पर भी चर्चा को लेकर मांग विपक्षी दल उठा रहे थे और आज संसद भवन परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी यहाँ मौजूद है, 12 दल हैं जिनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें शामिल हैं और सीधे तौर पर इनकी ये मांग है कि चीन यानी तवांग में जो कुछ हुआ उस मुद्दे पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब डोकलाम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होती है और सारी जानकारी दी जाती है तो तवांग के मुद्दे पर न सर्वदलीय बैठक हो रही है न सदन पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। उधर कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। उससे पहले उनकी राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चिट्ठी में मंडाविया ने अपील की कि कोरोना के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और उन्होंने देशभर में यात्रा को रद्द करने की अपील की। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया, पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी साजिश कर रही है और लोगों को भटका रही है। तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, दो गज की दूरी बनाकर रखें, यानी साफ तौर पर मैसेज ये है इस चिट्ठी के माध्यम से कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक एडवाइजरी जारी कर दे गवर्नमेंट, उसके बाद हम उन नियमों का पालन करेंगे। उसके अलावा उनका कहना है कि पहले से ही उनकी यात्रा में सारे नियमों का पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सरकार को इस यात्रा से दिक्कत है क्योंकि भारी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं जिससे सरकार डर गई है और इसीलिए इस तरीके की चिट्ठी लिखकर यात्रा में खलल डालने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि चीन में काफी केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता भारत को भी बढ़ानी चाहिए और इसी सतर्कता को देखते हुए ये चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है ताकि उस पर वो ध्यान दे, कोरोना के नियमों का पालन करें, अगर वो मुमकिन नहीं है तो देश हित में इस यात्रा को रद्द किया जाए। बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानते हैं मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाहों भटकाया जाए। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ से सरकार डरी हुई है और इसी को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये चिट्ठी बम फेंका गया है। राहुल गांधी को भी ये चिट्ठी भेजा गया और साथ ही साथ अशोक गहलोत को भी स्वास्थ्य मंत्री की ये चिट्ठी जिसमें ये कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए नियमों का पालन इस यात्रा में होना चाहिए। अब सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि कांग्रेस क्या कह रही है वो तो हमने सुनवा दिया, लेकिन सरकार का पक्ष भी आपको सुनवाते हैं। जरूर, ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है, जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारे मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाए।
मैडम, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाएगा, या फिर कई लोग अभी हिचक भी रहे हैं, वैक्सीन ले भी नहीं रहे, तो क्या इस पे भी कुछ? देखिए, भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया है। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है ग्लोबल लेवल पे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई दिए। क्या एयरपोर्ट पे सर्विलेंस बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि आज मीटिंग होने वाली है माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की दिशा निर्देश में, ये मीटिंग में रिव्यू लिया जाएगा। पीएम मोदी को आज पीएम मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र को लेकर एक बड़ा आयोजन करने की बात हो रही है, क्या वास्तविक है? जी, आपने सही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति क्षेत्र में और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़े कदम उठाए, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से हो या अन्य मंत्रालयों से हो। ये बजट भी हमने देखा कि बढ़ाया गया है। जैसे कि मैं कहूंगी कि अगर 14-15 में ये बजट था 19,000 करोड़, जब सब मंत्रालय उससे जुड़े हैं, जो जनजाति के लिए ये बजट दिया गया, वो बढ़ा के आज हमारा बजट लगभग 22-23 में देखा गया तो ये 90,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी दिशा में ये बजट हमारी जनजाति ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सराहना कदम है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से जो बजट दिया है आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी इस बारे में गौर किया है कि ये बजट जो पहले 3,000 करोड़ था 14-15 के पहले, तो अभी वो गया है 8,000 करोड़ से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी दिशा में ये कदम लिया गया है। उसके अलावा जो मैं आज संजय निरूपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस के नेता संजय निरूपम, आप सीधे तौर पर गवर्नमेंट ये कह रही है या तो नियमों का पालन कीजिए या देश हित में ये सोचिए कि क्या इस यात्रा को टाला जा सकता है या रोका जा सकता है। देखिए, सच तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बेहद कामयाब इनका एक जन आंदोलन बनकर निकल करके आया है। लगभग 100 दिन से ज्यादा हो गए राहुल जी पैदल चल रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरू किया और लगभग समझ लीजिए कि 2000 किलोमीटर चल चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है इस भारत जोड़ो यात्रा से, जिस तरीके से राहुल जी कनेक्ट कर रहे हैं ग्रास रूट पे सभी लोगों से, जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं राहुल जी की यात्रा का समर्थन करने के लिए, तो ये महज एक बहाना है। ठीक है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन जहां पर लाखों लोग उस यात्रा में साथ में चलने के लिए तैयार हो वहां पर क्या प्रोटोकॉल होगा? ज्यादा से ज्यादा मास्क पहना जा सकता है, तो अगर कोविड का कोई ऐसा कोई प्रेशर होगा, दबाव होगा, तो मास्क पहना जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यात्रा से घबराई हुई बीजेपी इस पर रोक लगाने के लिए, इसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक नई जुगत लगा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। संजय निरूपम जी, ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने पहले सरकार को चेताया था कि हमें कोरोना की स्थिति को देखते हुए पहले से ही जागरूक रहना चाहिए, यानी राहुल गांधी इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। आज जब हम चीन की स्थिति ऐसे देख रहे हैं, जापान की स्थिति ऐसे देख रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को खुद से ये नहीं समझना या सोचना चाहिए कि आज इतनी भीड़ जुट रही है और संख्या अलग अलग देशों में बढ़ रही है, भारत की स्थिति भी ऐसी हो सकती है, तो कुछ कदम हम ही क्यों ना उठाएं? भारत में अभी इतनी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मुझे पता है कि चीन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चीन में तो लगभग 3-4 महीने तक लगातार लॉकडाउन रहा, वहां के लोगों ने बड़ा विरोध किया सरकार का उस लॉकडाउन या तथाकथित प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर अभी इतनी भी खतरनाक स्थिति नहीं है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक राजनीतिक मोटिवेशन दिख रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है राहुल जी के इस कामयाब यात्रा को परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ऑफिशियली इसका रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि मंत्री महोदय चिट्ठी बिट्ठी लिखी है, उन चिट्ठी का जो एक सही ढंग से फॉर्मल जवाब होगा वो जवाब देंगे, उसके बाद हम इसकी ऊपर क्या कर सकते हैं, कैसे एक प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। लेकिन यात्रा तो बीच में नहीं रुक सकती, यात्रा तो चलेगी और यात्रा को कन्याकुमारी या श्रीनगर तक पहुंचना है। लेकिन संजय जी ये बताइए, क्योंकि 100 दिन तो पूरे हो गए हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेता आप भी ये कह रहे हैं कि सरकार भारी भीड़ जो टूट रही है उससे घबरा गई है, तो 100 दिन ही क्यों पूरे होने देती है अगर सरकार को ये करना था? मुझे तो पहले कोई बहाना नहीं मिल रहा था,
पहले तो उन्हें कहा था कि ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही ये यात्रा हो ही नहीं सकती, ये राहुल गांधी चल ही नहीं सकते, फिर ये एक ही स्टेट में रहेगा, दूसरे स्टेट में नहीं आएगा। अच्छा दक्षिण में हो गया, उत्तर में नहीं आएगा, उत्तर में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब जब लगातार दिख रहा है कि रिस्पॉन्स बढ़ता चला जा रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट पड़ी। लेकिन एक और चीज है सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी अधीर रंजन चौधरी जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन कई बार यहाँ पर बाहर के लोग यानी जो आप समर्थक जुड़ते चले जा रहे हैं, काफिला बनता जा रहा है, तो सबकी गारंटी तो कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती है ना कि सब वैक्सीनेटेड है। भाई बात की गारंटी सरकार तो ले सकती है, सरकार ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन क्रांति की थी हिंदुस्तान में और सभी लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, एवरीबॉडी इज वैक्सीनेटेड इन इंडिया, और यह सब दावा किया और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दिया है। तो अगर कोई कहीं पर वैक्सीन नहीं लगा है और किसी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं वो वैक्सीन लेके आए। तो कदम क्या उठाया जा सकता है, नियम कैसे पालन हो सकता है, दो गज की देखिए दूरी तो जी ऐसा है, वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं, वैक्सीन तो सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो सरकार चाहे तो एक सर्वे करा ले कि अभी कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको वैक्सीन हम लोगों ने तो डबल वैक्सीन दिया, आपने भी दिया होगा वैक्सीन, तो लगभग हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों ने सभी लोगों ने वैक्सीन ले रखा है और सरकार इससे बहुत ढोल पीटती है, हम लोगों ने सबको वैक्सीनेट कर दिया है। ठीक है, तो जब संजय जी लेकिन जरा ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं सरकार अगर एडवाइजरी जारी कर दे, नियम बना दे दो गज की दूरी का, मास्क जरूरी का, सैनिटाइज करने का, तो आप उसका पालन करेंगे। अगर सरकार की तरफ से ये नियम बना दिया जाए कि एक जगह पर इतनी गैदरिंग नहीं हो सकती, तो क्या आप उसका भी पालन करेंगे और रोकी जा सकती है ये यात्रा? मुझे नहीं लगता कि ये पालन करने लायक, दो गज की दूरी भी पालन करने लायक आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब इतने सारे लोग आएंगे तो ये सारे लोग एक दूसरे के करीब तो होंगे और दो गज की दूरी मतलब पूरी यात्रा की जो लंबाई होगी कई किलोमीटर हो जाएगी, फिर तो लाखों लोग आ रहे हैं यात्राओं में, और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मास्क और वैक्सीन ये दो चीजें हो सकती हैं और इसके लिए मुझे लगता है राहुल जी ने भी हमेशा समर्थन किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहन करके निकले, वो भी राहुल जी मास्क पहन के निकला करते जब कोरोना का बहुत कहर था हिंदुस्तान में तो, लेकिन आज इस समय कोरोना का इतना बड़ा खतरा नहीं है और इस बहाने इस यात्रा को डिस्टर्ब करने का कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन होगा सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि यात्रा जो है वो रद्द नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का खतरा जहां एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कि भारत जोड़ो यात्रा में नियमों का पालन हो और अगर लगे तो देश हित में इस यात्रा को रद्द भी किया जा सके तो करना चाहिए। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।